हेलो दोस्तों, मैं हूं सेफ दीपक मिंग। स्वागत है आपको आपका पसंदीदा चैनल सेफ किचन रेसिपी में। आज प्योर लोकल डिश बनाने जा रहे हैं हम लोग। लोकल फिश करी, फिश मिंट लिप से बनाएंगे, जिसको असम में मसंधुरी बोलते हैं। ये मसंधुरी पत्ता से हम लोग बनाएंगे फिश मिंट लिप से। वो प्योर ऑर्गेनिक और लोकल डिश है, अच्छे से दिखिएगा। तो यहाँ पर जितना भी रेसिपी है मैंने पहले आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा रेसिपी जो अभी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा वो देख लेते हैं। अभी हमको सबसे पहले ओनियन चाहिए, तो ओनियन चॉप कर लेता हूँ। ओनियन मेरा दो ओनियन चाहिए, तो दो ओनियन मैं चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद में मुझे जिंजर गार्लिक चाहिए। जिंजर गार्लिक भी मैं इसमें क्रश कर लेता हूँ। जिंजर गार्लिक मैं इसमें क्रश कर लूँगा। क्रश करने के बाद में आगे का प्रोसेस जो है, एक फ्राई पैन में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल लिया, फिर चॉप किया हुआ प्याज, फिर इसमें मिर्चा फर के रखा था मिर्चा डाल दिया इसमें, फिर जिंजर गार्लिक जो क्रश करके रखा था उसको मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से भून लेता, ब्राउन कर लेता हूँ। ब्राउन होने के बाद इसमें थोड़ा नमक डाल देता हूँ मैं। हल्दी आ गया, हल्दी डाल दिया। फिर इसमें जो मसंदूरी है, जो फिश मिंट लिप, उसको ऐड कर दिया। इसमें डाल के उसको थोड़ा देर पकाएंगे हम लोग। इसमें ड्राई बेम्बो सूट जो है, ड्राई बेम्बो सूट ऐड करेंगे। ड्राई बेम्बो सूट डाल के इसको पका लें। फिर इसमें टोमेटो जो कटा हुआ इसको डाल दें। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन मार के रख देंगे। फिर ये पक चुका है, इसको थोड़ा चला लेंगे। चलाने के बाद में इसको जो भंगोन फिश है, इसको फ्राई नहीं करेंगे, कच्चे कच्चे हम लोग इसमें डालेंगे, तब इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। इसके ऊपर से हम लोग क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे, फिर जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डाल दिए, जीरा पाउडर डाल दिए इसमें। इसको थोड़ा ढक्कन मार के रख देंगे। फिर इस जो है ये नीचे वाला हिस्सा पक चुका है, अभी ऊपर वाला हिस्सा को पकाने के लिए हमको पानी का ज़रूरत पड़ेगा। इसको चला के फिर पानी डाल देते हैं इसमें। ये मछली पकने के लिए पानी का ज़रूरत होगा, तो पानी डाल दिया इसमें। मछली पक के तैयार है। देखिए कितना सुंदर हुआ है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मतलब लाजवाब होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल डिश है। इसमें हम अभी धनिया डालेंगे, कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया रेसिपी आएगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।